अच्छी है, समाती है रे। लाओ अर्चना इधर लाओ। साग बनेगा दोस्तों और भात बनेगा और मार एकदम सर सर खाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग। हाय दोस्तों, टोपी लगाई हो? टोपी लगाई है, सीधा लगाओ ना। और देखिए दोस्तों, ठंडा बहुत तेज इधर पड़ रहा है और हम लोग पानी में रहते हैं तो और ज़्यादा इधर ठंडा लगता है। देखिए ये भी खास रही है। और सुबेरे देखिए सूर्यदेव निकले हुए हैं इधर। और दोस्तों अभी गाय दूहने का समय हो गया है तो चलते हैं गाय दूहते हैं, क्योंकि गाय को खिला दिए हैं सवेरे से, 5 बजे 6 बजे जगते हैं उसी समय से उसको खिलाना पिलाना। और ये लोग अपना इधर छोटी को लेकर लुकवाए थे ठंडा की वजह से, तो अब ये लोग भी धूप निकला है तो खाना वाना बनेगा, क्योंकि धूप निकलने के बाद ही ये लोग खाना बनाता है। हाँ चलो, ठंडा का मौसम है, चलिए चलो अर्चना। दोस्तों चलते हैं गाय का दूध निकालते हैं, आ जाओ अर्चना। और दोस्तों देखिए इधर नंदू को खोल दिए हैं, आ करके दूध पी रहा है। अभी हम रस्सी लगाएंगे इसको और दूध निकालेंगे। अर्चना आओ, मोबाइल दिखाओ। और देखिए दोस्तों गाय हमारी पहना गई है और इधर से दिखाओ अर्चना। और थोड़ा पास में ना। देखिए दोस्तों इसको सीमेल तो लगवा दिए हैं, देखते हैं कि क्या होता है, गाभिन होती है कि नहीं, क्योंकि गाय एक बार दो बार जरूर परेशान करती है। पिछले बार तो एक ही बार में गाभिन हो गई, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। अब बाबू उधर पढ़ रहा है, उधर दिखाओ अर्चना। देखिए वहाँ मार साहब पढ़ा रहे हैं बाबू को। और दोस्तों पूरा दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा दूध निकाला हुआ हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है इसको निकाल देते हैं और चलेंगे दोस्तों बाज़ार। कल तो हरा चारा लाने चले गए थे बाज़ार से आए तो गन्ना के खेत में, तो आज भी हो सकता है कि गन्ना में ही जाना पड़ेगा हरा चारा लाने के लिए। अच्छी समाती है रे। लाओ अर्चना इधर लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। और दोस्तों देखिए नंदू को खोलते हैं, फिर से पिएगा। अर्चना डब्बा लाओ, दूध नाप दिया जा। और देखिए दोस्तों बाजार से आ गए हैं हम दूध दे करके। अर्चना की मम्मी इधर नहा धो के इधर देखिए शीशा वसा रख के अपना टिकली सेनूर लगा रही हैं। आ तुम क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो दिखा दो, ये लेके खेल रही है बिंदी टिकली। अर्चना खाना लाओ, ला के रखो यहाँ। अर्चना देखिए भात लाई है, पानी लेके आओ पानी। ये देख लीजिए दोस्तों दाल भात और साग है। और किस चीज़ का है दोस्तों? ये बथुआ का साग है। और छोटी इधर बैठी हुई है, देखिए खाओगी? लो लो
हाँ देखिए बाबू भी पढ़ के आ गया, आज दोपहर में ही छुट्टी हो गया है ना, छुट्टी हो गया है। उधर से बैठो ना, उधर से बैठो। और ये देखिए कौन सा थैला है, ये देख लीजिए, मोदी जी और योगी जी। इस पे छोटी को इसमें मिलता है आंगनबाड़ी से राशन 1.5 किलो, कितना चावल मिलता है 1.5 किलो के करीब चावल मिल जाता है, और एक रिफाइन का पैकेट मिलेगा, और चना का दाल मिलेगा, और एक गेहूं का दरिया जो आता है वो, बस इतना चीज़ मिलता है। हर महीने कि 2 महीने के? हर महीने मिल जाता है, तो वही वाला थैला बाबू लेके पढ़ने जाता है। ए, नहीं बाबू जी, ये रुला देता है, परेशान कर देता है छोटी को। तभी खाते हैं दोस्तों हम। ए अर्चना, अरे पानी लेके आओ भाई जल्दी। और दोस्तों देखिए 7 महीना लगभग हो चला हमारे गाय को, फिर भी इतना अच्छा अभी दूध दे रही है। असीमे तो पड़िए गया है, तो देखते हैं कि रुकती है कि नहीं, मतलब गाभिन होती है कि नहीं। अर्चना, अरे पानी लेके आओ जी, खाना खा लें, चला जाए उधर काम करने। और दोस्तों नहाने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है इसमें, तालाब घर में एगो किनारे में, मतलब ये पानी इसमें से गिर जाता है नीचे एगो किनारे, उधर अपना पानी वहाँ से ला करके 2 बाल्टी 3 बाल्टी रख लेती हैं, और सब कुछ चारों से बंद करके उसी में नहा लेती हैं, पानी नीचे चला जाता है। अर्चना, अरे लेके आओ पानी, जल्दी से आ जाओ। देखिए दोस्तों पानी लेके आ गई अर्चना, ठंडा लग रहा है? हाँ खरीदा, हाँ रखो 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 रखो। अब खाना वाना खा लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों पूरा थाली खत्म हो गया, खाली है दाल भात और साग। पगली, और छोटी को देखिए पहली है पगली, पगली। और इनको ठंडा लगने लगा, नहाई है तो देख लीजिए चादर ओढ़ी है दोपहर में ही, मतलब दोपहर 3 बज गया है। और पानी एक गिलास और लाओ, हाथ धोए हम जाओ। और दोस्तों देखिए हम लोग खा पी लिए हैं, और बाबू भी देखिए बास्ता वहाँ पे रख दिया और चल गया उधर खेलने। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, साग भी खोटेंगे, और साग भी खोटेंगे, और हरा चारा के भी जुगाड़ करेंगे। गन्ना छिला रहा है ऊख, तो उसको छीलेंगे, झीलिए वो ले लो अर्चना, चलो गन्ना छीलेंगे, और साग भी आप लोग खोट लेना। और देखिए दोस्तों उधर ट्रैक्टर चल रहा है उधर पीछे, तो पूरा आवाज़ कर रहा है भर 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 भर। आ जाओ अर्चना, तो ये भी खाएगी जब तक हम लोग आ जाएंगे। बाबू घर रही आओ, देख रही आओ, हो जा क्यों ना जा तालाब घर में, ठीक बा, देख रही आओ जा अर्चना, चलो कॉल मत चलाओ। हम लोग चलते हैं, गन्ना का छिलाई करेंगे हरा चारा के लिए, और साग भी खोट लेंगे। अर्चना की मम्मी आ जाइए जल्दी। और दोस्तों देखिए इसी गन्ना के खेत में हम लोग छीलेंगे, और अतवरिया के लिए हरा चारा। और देखिए कल वाला लड़का ये काट रहा है, केसु का हलवा तक नहीं देख रहा है। और देखिए इधर कई लोग छील रहे हैं अपने अपने गाय भैंस के लिए, देखिए ये सभी लोग अपने अपने गाय भैंस के लिए छील रहे हैं। और देखिए वो बकरी भी इधर चर रही है। और देखिए दोस्तों इधर हम काटना चालू कर दिए हैं, और काट के गेहूँ छील लेंगे एक बोझा, तब चलेंगे घर। और अभी अर्चना की मम्मी उधर साग खोटेंगी, तो पहले काट लेते हैं दोस्तों एक पलहूर, उसके बाद से सब छीलेंगे इसको। देखिए दोस्तों उधर मम्मी मेरी साग खोट रही है। मम्मी
सारे पापा सारे पापा कितना सुंदर हुआ तू बोल खोटते नहीं खुश मोबाइल रख खोट भाभी देखिए दर्शक मेरी मम्मी कितने हाली हाली खोट रहे हैं ये ना देखा इतना बिन खोट ले भैया देखिए दोस्तों चलते पैदक लगे देखिए दोस्तों मेरे पापा गेहूं छील रहे हैं छील रहे हैं कि काट रहे हैं अब छीलेंगे दोस्तों अभी काट रहे हैं दोस्तों देखिए हमारा गेहूं छीला हुआ हो गया इतना छील दिया है यहाँ पर और एक यहाँ पे छील दिए हैं अभी अर्चना के मम्मी के पास चलते हैं देखते हैं ये क्या कर रही हैं साग खोटा गया हाँ देखिए दोस्तों इधर कितना इसमें हरा हरा बथुआ साग है सरसों तो मान लीजिए ये हम लोग बोते हैं लेकिन ये देखिए ये बथुआ साग एकदम इतना मस्त है और इतना घना है देखिए कितना कितना खोट दिए देखिए थोड़े देर में देख लीजिए गजब देखिए इतना हो गया देख लीजिए बाप रे बाप तो जल्दी जल्दी खोट लीजिए शाम हो गया अब हम भी गेट छील लिए हैं एक बोझा हो गया है अब चलते हैं बानून के लेके चलिएगा हो गया चलिए ज़्यादा क्या होगा बहुत थोड़ा सा भी रहेगा तो हम लोगों का हो जाएगा तो चलिए आ जाइए अर्चना लाओ ए पोलोथीन लाओ झीली लाओ अब गेड़ बांधते हैं दोस्तों और चलते हैं घर अभी ना और दोस्तों देखिए हम अपना गेड़ बांध दिए हैं उधर और साग भी खोटा हुआ हो गया है अब हम लोग चलते हैं घर शाम हो गया चलो अर्चना देखिए इधर अर्चना जाके पोलिथीन लाई है इसमें रख लिए हम लोग हाँ ले ला चला और दोस्तों देखिए बोझा ले लिए हैं अब चल रहे हैं हम लोग घर आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाओ अर्चना और दोस्तों देखिए हमारी बकरी उधर बाबू लेकर के चरा रहा था देखिए उधर इकड़ा के पास में देखिए उधर देखिए दोनों सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं और बाबू उधर हल्ला कर रहा है बच्चा लोगों में खेला बाबू अरे जल्दी आ जाओ हाँ बोला और दोस्तों देखिए इधर ला करके रख देंगे इसमें से बकरी लोग भी खाएगा और गाय भी खाएगी देखिए यहाँ अतवरिया है अभी फोंक फोंक कर रही है चलो अर्चना ले चलो साग ले चलो उधर तालाब घर में दोस्तों साग लेके चलो दोस्तों देखिए साग लेके जा रही है अर्चना इधर वहाँ बनेगा अब शाम को साग और भात बनेगा बहुत मस्त लगता है साग भात और माड़ माड़ भात साग एकदम झकास माड़ भात खाती हो ना हाँ बहुत तेज बोलती है आ जाइए जी हाथ पैर धोने लगे आई सब ओस पड़ेगा इसको हटा दीजिए गुदरा उदरा बनाइए भात वत और साग भी बनाइएगा साग बनेगा दोस्तों और भात बनेगा और माड़ एकदम सर सर खाएंगे है ना ऐसे ना और देखिए दोस्तों बाबू का भी आवाज़ दिए हैं तो देखिए वहाँ आ गया है देखिए वहाँ खड़ा है और वहाँ खसी हमारा चर रहा है खसी वसी बकरी हाँक के लेके आओ हाँक के लेके आ जाओ जल्दी और दोस्तों अर्चना की मम्मी इधर सब कुछ उठा कर रख दी एकदम अब खाना वाना बनाने का समय हो गया है तो अब खाना वाना बनेगा दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अभी भी हमारी गाय कितना दूध दे रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों बाय कर दीजिए सभी लोग बाय दोस्तों जय हिंद दोस्तों जय जवान जय किसान दोस्तों।